हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन इन ट्रिप क्लासेस में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मूल विधि की यूपीएसआई की मूल विधि की जो है सेकंड पार्ट इसमें लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने कल करा दिया था, तो जो लोग अभी तक मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो वो वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ से जो है आप लोगों को फर्स्ट पार्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मूल विधि का जो है फर्स्ट पार्ट है वो वहाँ पर मिल जाएगा। और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि मैं आप लोगों को मूल विधि के रोज़ जो है 25 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि 25 ना करके 20 ही क्वेश्चन जो है दिया जाएगा। आप लोगों के जो क्वेश्चन सेट होंगे वो 20 क्वेश्चन सेट होंगे और आपको 20 ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और ये जो क्वेश्चन होंगे, जो प्रश्नगत या पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, ये जो क्वेश्चन हैं ये दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और जो भी लोग अभी नए होंगे वो चैनल को जो है चैनल पर जाएँ और विजिट करें, चैनल को देखें, और जितनी भी पुरानी वीडियो होंगी उसको भी देखें, क्योंकि उसमें कंस्टिट्यूशन की भी क्लास होंगी और रीजनिंग की भी क्लास होंगी। अभी दोस्तों जो है आप लोगों को और क्लास में देने की कोशिश करूँगा, वो भी अभी जुलाई के बाद से, तो जल्दी ही आपकी क्लास जो है और आगे इंक्रीज होने वाली है। तो आज की वीडियो में बस यही था, और आज की वीडियो में ये है कि आप लोगों के 20 क्वेश्चन जो पार्ट सेकेंड होंगे और यही कवर कराऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए आज का जो टैग है आप लोग बता दें, नौकरी नहीं ज़िंदगी बदलोगे। मतलब दोस्तों अगर आप ये मेरी क्लास को ले लेते हैं और सब टॉपिक कवर करते हैं धीरे धीरे, तो अगर आपको पकड़ बन जाती है तो आप अपनी नौकरी नहीं, आपको आप अपनी ज़िंदगी बदल दोगे। ठीक है, आज का ये टैग लाइन था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय दंड संहिता लागू हुई, बताइए। भारतीय दंड संहिता लागू हुई 6 अक्टूबर 1860 से, 6 सितंबर 1860 से, 1 जनवरी 1861 से, या 1 जनवरी 1865 से। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका जो है राइट होगा। क्या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा? 1 जनवरी 1865 से, 1 जनवरी 1862 इसका जो है राइट आंसर होगा। भारतीय दंड संहिता लागू कब से हुई थी? 1 जनवरी 1862 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है, बताइए किससे? अपराध की परिभाषा से, संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से, संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका राइट होगा, संहिता के नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से, तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। चलिए नेक्स्ट, मेन सीरियस से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, बताइए। आशय, ज्ञान, हेतु या दुराशय, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। क्या मेन सीरियस का मतलब जो तात्पर्य निकलता है वो दुराशय से निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय दंड संहिता में शब्द स्त्री द्योतक, बताइए क्या है? वयस्क स्त्री है या अविवाहित स्त्री है, किसी भी आयु की स्त्री है या अविवाहित स्त्री है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा? किसी भी आयु की स्त्री, किसी भी आयु की स्त्री से। चलिए भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है, बताइए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धारा 19, धारा 33, धारा 18 या धारा 9, बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, धारा 18। धारा 18 जो क्या कहता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा ये भारत को परिभाषित किया गया है। धारा 18 में जो है भारतीय दंड संहिता में भारत को जो है परिभाषित किया गया है, धारा 18 में। चलिए नेक्स्ट, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी की
किस धारा में दिए गए हैं बताइए। आईपीसी की किस धारा में दिया गया है? सामान्य आशय से संबंधित है। धारा 34, धारा 149, धारा 297, धारा 316 बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो को चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा जो आईपीसी की धारा में जो है सामान आशय से संबंधित है वो धारा 34 है की क्या धारा 34 जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध वाद है बताइए। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो धारा 34 है उस पर कौन सा वाद जो है सुविख्यात है प्रसिद्ध है बताइए। मेकनाटन का वाद, रेग बनाम गोविंदा का वाद, या वरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का वाद, या केसी मैथ्यू का वाद बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। वरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध है ये। ठीक है चलिए नेक्स्ट पर, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? मतलब को भारतीय दंड संहिता की एक ऐसी धारा है जिससे वो आपराधिक दायित्व से मुक्त है बताइए। वो कौन सी धारा है? धारा 97, धारा 78, धारा 77। सॉरी दोस्तों इसमें जो दो ऑप्शन एक ही हो गए हैं, धारा 97 या धारा 80 बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो धारा 78 इसका राइट आंसर होगा। क्या? धारा 78 ऑप्शन बी इसका राइट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये। अपराध की परिभाषा दी गई है बताइए, किसमें दी गई है अपराध की परिभाषा? भारतीय दंड संहिता 1860 पर अध्याय 2 में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 सबसेक्शन एन में, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 सबसेक्शन एन में ऑप्शन बी इसका राइट होगा। जो अपराध की परिभाषा दी गई है वो धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 सबसेक्शन एन में जो है अपराध की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहां पर लागू होगी बताइए। संपूर्ण भारत पर, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, भारत के किसी भी भाग पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं बताइए। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर जो है भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि जो है लागू होती है, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर लागू होगी। ठीक है चलिए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है बताइए। कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है भारतीय दंड संहिता के अधीन जो है कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग पता है बताइए, नहीं तो मैं बता दूँ दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट होगा। पांच प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। कितने? पांच प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। चलिए नेक्स्ट पर, दोस्तों अगर आप लोगों को ये चाहिए, ये जो मैंने पिक लगा रखा हूँ, अगर आप लोगों को ये चाहिए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो UPSI वाले आएंगे उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें
जिनसे मूल विधि की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोगों को पता चल जाए कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है, बताइए, षड्यंत्र, तैयारी, धमकी या प्रयत्न। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो षड्यंत्र, क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, षड्यंत्र, षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड किया गया है, बताइए, धारा 120 बी, धारा 124, धारा 120 ए, धारा 121 ए, बताइए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो धारा 120 बी, धारा 120 बी इसका राइट आंसर होगा कि भारतीय दंड संहिता के धारा 120 में प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट, महानिरीक्षक को शक्तियां प्राप्त होती हैं, बताइए, जो शक्तियां न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती हैं, जो शक्तियां मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती हैं, जो शक्तियां उपखंड मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये शायद क्वेश्चन कल आए हुए थे और ये प्रैक्टिस सेट से ही दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया प्रैक्टिस सेट में, ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट ही बनता है इस दृष्टि से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, जो शक्तियां मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती हैं, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं, बताइए, आठ, पाँच, चार या छः। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका मैच करता है, कितने, ऑप्शन बी जो इसका राइट होगा, पाँच, कम से कम पाँच व्यक्ति आवश्यक होते हैं, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम पाँच व्यक्ति आवश्यक होते हैं। और ये जो विधि विरुद्ध हैगा ये धारा 141 की 141 में बताया गया है, भारतीय दंड संहिता के धारा 141 में बात की गई है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम पाँच व्यक्ति आवश्यक जरूरत होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें दोस्तों इसमें भी जो है राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट होगा, पाँच। और दोस्तों सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम पाँच व्यक्ति होने चाहिए और ये अग्रसर सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए धारा इसमें दी कि धारा 149 में इसकी जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत परिवाद किसके द्वारा दायर किया जाएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हैगा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्राधिकरण नियंत्रण बोर्ड, जल नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए इसका जो राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका मैच आता है, ऑप्शन इसका राइट है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में करके बताइएगा, आप लोग अगर और भी मतलब कि क्वेश्चन इसमें ऐड करना करवाना चाहते हो कि 25 से और मतलब 20 से और कराऊं तो आप लोग कहने में 20 भी कराने लगूंगा। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन व्याख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में किया गया है, बताइए, धारा 137 का,
धारा 138, धारा 153 का या उपरोक्त सभी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों का है, डबल लिख उठा है का है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा धारा 153 का जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसमें जो है मैच खाता है सही। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये जो पीडीएफ, इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप लोग वहां से ये वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आप वहां से वीडियो को जो है पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो लोग अभी मेरे चैनल टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो मैं जो है पीडीएफ डायरेक्ट वहाँ पर भेज देता हूँ, क्योंकि जो जितनी भी रोज बनती है तो टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट है। चलिए, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा की परिभाषा करती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट ही कहा जाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो धारा 159, धारा 110, धारा 151 या धारा 148, तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच खाता है बताइए। तो धारा 159 क्या है इसका मैच खाता है, क्या धारा 159 इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है, लोक सेवा के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालने अपराध है अंतर्गत धारा है, बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। कि लोक सेवा के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालने वाला जो एक धारा है वो कौन सी धारा है, आपको इसमें जो है पहचानना होगा कौन सी धारा के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, धारा 186 भारतीय दंड संहिता। ठीक है, धारा 186 भारतीय दंड संहिता जो है इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो आज की, आप लोग कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करिए, दोस्तों को भेजिए। ठीक है, कि जितने भी मूल विधि के क्वेश्चन, मतलब कि आप लोगों को मॉक टेस्ट जो है आप लोग कवर हो जाएं एग्ज़ाम आने से पहले, क्योंकि मूल विधि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, और ये क्वेश्चन जो है कई पूछे भी जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे भी जाते हैं, और ये क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं प्रैक्टिस सेट से ला रहा हूँ, ये नहीं कि उधर उधर से, सब प्रैक्टिस सेट चुने हुए क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो जैसी लगी हो कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और अगर पसंद आए वीडियो और पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, इसके तीसरे पार्ट में।